नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए। जैसे कि दोस्तों हम इस बारे में आपसे कई बार कई वीडियो में बात कर चुके हैं, दोस्तों वो वक्त आ चुका है, वो पल आ गया है दोस्तों आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए। जो भी यूपी से आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों। वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, वैकेंसी भारी मात्रा में आई है। ये वैकेंसियों की संख्या है 1002 पदों पर वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की दोस्तों। दोस्तों ये वैकेंसी आई है, आपको भी शायद इसके बारे में पहले पता चल चुका होगा, लेकिन दोस्तों आपके कई सारे सवाल होंगे इस भर्ती को लेकर के। जैसे कि क्या हमारे पास पैड नहीं है तो क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या पैड में हमारे पास है तो कितना स्कोर होना चाहिए, एग्ज़ाम कब तक होगा, कैसे क्या होगा। दोस्तों इसमें आपके लिए कई सारे सवाल होंगे आपके, दोस्तों सारे सवालों के हम जवाब देने वाले हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आपके जो भी सवाल है कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने उत्तर प्रदेश से पैट एग्ज़ाम दिया है, दोस्तों आपके पैट एग्ज़ाम में कितने नंबर आए हैं तो आप उससे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ताकि इसमें पहले तो दोस्तों आपकी जो उत्तर प्रदेश पैट का एग्ज़ाम दिया है उसकी मेरिट रुकेगी दोस्तों, इस बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहले ये नोटिफिकेशन विज्ञापन को प्रसारित करने की तिथि दोस्तों 1 फरवरी को इसका विज्ञापन आया था। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 12/2/2024 यानी कि 12 फरवरी से इसमें ऑनलाइन आवेदन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 3 मार्च को इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। वहीं शुल्क जमा करने एवं संशोधन करने के लिए आप 11 मार्च तक इसमें संशोधन करा सकते हैं दोस्तों। चलिए और देखते हैं इसमें। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयु लखनऊ विज्ञापन संख्या 1/2024 बाय वैश्विक आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आयुर्वेद निर्देशालय उत्तर प्रदेश के वैश्विक के कुल 1002 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन प्रमाणित किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी की संख्या है आपकी 1002 वैकेंसियों की संख्या है। वैश्विक आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के शॉर्टलिस्ट करने के प्रारंभिक आहर्ता 2023 यानी कि 2023 में आपने अगर पैट का एग्ज़ाम दिया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पैट के स्कोर पर आधारित पर की जाएगी, अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जो प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा 2023 में पैट में सम्मिलित हुए हैं। जो 2023 में पैट का एग्ज़ाम दिया है वो इसमें शामिल हो सकते हैं, एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइजेशन स्कोर 0 या इससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात साफ साफ होती है, अगर आपने 2023 में पैट का एग्ज़ाम दिया है, अगर आपका इसमें 0 मार्क्स या नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 0 है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी अगर 1 नंबर आ रहा है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों मैंने आपके लिए लगभग 7-8 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, लगभग 10 महीने पहले मैंने उसमें ही आपके लिए क्लियर कर दिया था। जो वैकेंसी आएगी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ही आएगी। दोस्तों कुछ लोग कह रहे थे, कुछ यूट्यूबर्स, कि ये वैकेंसी UPSC द्वारा आएगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक नर्स की जो वैकेंसी आई है, आयुर्वेदिक और यूनानी नर्स की जो वैकेंसी आई, उसी तरह से आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी आएगी। लेकिन मैंने उस वीडियो में क्लियर कर दिया था कि जो आपकी वैकेंसी आएंगी वो UPSSC द्वारा ही आएंगी, जिसमें पैट अनिवार्य होगा, और आप इस पैट में इस साल अप्लाई कर देना। दोस्तों आप इसमें पैट का एग्ज़ाम ज़रूर देना, मैंने आपके लिए पहले वीडियो में ही क्लियर कर दिया था। और दोस्तों वही हुआ, दोस्तों जैसे ही पैट का रिजल्ट आया वैसे ही भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। दोस्तों इसमें आपकी जो आवेदन मान्य होंगे वो ऑनलाइन ही आवेदन मान्य होंगे। दोस्तों आजकल सभी ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो दोस्तों इसमें भी आपके ऑनलाइन ही आवेदन होंगे। आवेदन की प्रक्रिया देख लेते हैं। दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया क्या है आपकी, UPSSC
.gov.in की वेबसाइट के होम पेज पर जाके लाइव एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पे जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आजकल सारा ऑनलाइन ही हो रहा है दोस्तों। 3 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है, जैसा कि हमने आपको बता दिया था आवेदन की प्रक्रिया संबंधी। ये दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए, जरूर देखना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देशालय प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण होगा दोस्तों। जैसे कि आपका जो आपने जो 2023 में पैट का एग्ज़ाम दिया था उसका आपका रजिस्ट्रेशन जो नंबर है उसी के हिसाब से आपका बोझ भार फिल किया जाएगा उसमें दोस्तों। और उसी की शॉर्ट लिस्ट की जाएगी आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स थे उसी हिसाब से दोस्तों। यहाँ पर आवेदन करने की प्रक्रिया आपको बताई गई है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दोस्तों। अभी और भी कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है इस वीडियो में दोस्तों, चलिए और देख लेते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन शुल्क जो है दोस्तों, आप अनुसूचित अनरक्षित सामान्य जाति से हैं, आप अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए ₹2500 की आवेदन फ़ीस देनी होगी दोस्तों, जो कि कुछ भी ज़्यादा नहीं है। आज के टाइम में ₹2500 की सभी दे सकते हैं दोस्तों। देख लेते हैं किस कैटेगरी वाइज आपके लिए कितनी वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी, अनारक्षित की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर 448 वैकेंसी है भाई, अनुसूचित जाति की यहाँ पर 291 वैकेंसी हैं भाई। आपको अनुसूचित जनजाति की जो वैकेंसी की संख्या है वो 37 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 126 भाई, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए यानी कि EWS के लिए यहाँ पर 100 वैकेंसी हैं, कुल पद यहाँ पर 1002 हैं दोस्तों। आपका इसमें क्या रहने वाला है दोस्तों, आपका पैट किस तरह से मान्य होगा दोस्तों, आपकी जो पैट का स्कोर कार्ड है उसके 15% ही अभ्यर्थियों का आवेदन किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों, जो कि क्लियर कह दिया गया है आपको इसी नोटिफिकेशन में। आपको हम दिखा भी देते हैं इसी नोटिफिकेशन में दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। ऐसे ही आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, आयुर्वेदिक नर्स, आयुर्वेदिक की किसी भी अन्य टॉपिक से जुड़ी हुई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल आपके लिए क्लासेस भी चलती है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं लिखित परीक्षा से संबंधित विशेष नोट, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। विषय संख्या आयुर्वेदिक वोसिजिक आयुर्वेदिक, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत वोसिजिक आयुर्वेदिक रिक्त पदों का चयन हेतु लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापन में पदों की सापेक्ष श्रेणी 15 गुना, अभ्यर्थियों की कट ऑफ अंक परमानेंट स्कोर 0.2 स्थान पर धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा दोस्तों। क्या है ये समझ लेते हैं इसके लिए दोस्तों। जैसे कि 1002 वैकेंसी आई हुई है यूपी में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की, 1002 वैकेंसी आई हुई तो उसके लिए 15 गुना ही अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। जैसे एक वैकेंसी के लिए 15 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, तो यानी कि 1002 वैकेंसी आई हुई तो इसके लिए आपके लिए यहाँ पर 15,300 अभ्यर्थी ही शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। जैसे कि आपके आपका स्कोर है 20 अंक, तो उसी हिसाब से जितने भी अंक हैं आपके पैट में उसी हिसाब से मेरिट रुकेगी और उसके 15% ही स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया उसमें से लिए जाएंगे। अगर आप 15% की लिस्ट में आते हैं तब तो आप मेन एग्ज़ाम में आपके लिए बैठने का मौका दिया जाएगा, अन्यथा आपके लिए अगर आपने पैट का एग्ज़ाम दिया है अगर आप 15,300 की लिस्ट से 15% की लिस्ट यानी कि बाहर हो जाते हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसमें मेन एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, आप पैट की शॉर्ट लिस्ट से ही बाहर हो जाएंगे दोस्तों। ऐसा समझ लीजिए पैट जो है आपके लिए वो एक इसका प्री एग्ज़ाम था, प्री एग्ज़ाम ही कराता है UP SSSC जो कराता है पैट एग्ज़ाम, वो अपना प्री एग्ज़ाम कराता है। अगर आप प्री एग्ज़ाम की शॉर्ट लिस्ट में आते हैं तब आप इसमें मेन एग्ज़ाम में आपको बैठने का मौका दिया जाएगा, अन्यथा आपको नहीं दिया जाएगा दोस्तों। इस भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर
को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। दोस्तों हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए क्लासेस भी मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं क्लासेस आपके लिए। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो दोस्तों आप हमारे लिए कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो में, आपका जो भी सवाल है दोस्तों। एक दोस्तों आपने अगर पैट का एग्ज़ाम दिया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं दिया है तो फिर भी आप कमेंट कीजिए, नो लिखिए। अगर आपने पैट का एग्ज़ाम दिया है तो यस लिखिए, और आप उसमें अपना पैट का स्कोर भी लिखिए, आपका कितना पैट का स्कोर है उस हिसाब से हम मेरिट भी देख सकते हैं लगभग कितनी जा सकती है। जो पैट के एग्ज़ाम की मेरिट रुकेगी आपकी मुख्य परीक्षा के लिए वो कितनी रुक सकती है दोस्तों, आप हमें कमेंट कर दीजिए। और कमेंट में आपने पैट का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें अपने स्कोर लिख दीजिए, अगर नहीं दिया है तो उसमें नो लिख दीजिए। देखते हैं हम कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है या कितने लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, पैट का ही दिया है तो उनकी क्या आपने पैट का एग्ज़ाम दिया है तो क्या शॉर्ट लिस्ट जा सकती है पैट एग्ज़ाम की दोस्तों। और दोस्तों हमने अपनी टेलीग्राम चैनल पर एक पोल भी किया है, अगर आपने पैट का एग्ज़ाम दिया है तो आप वहाँ पर आप यस पे टच क्लिक कर सकते हैं, नहीं दिया तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।